नमस्कार, आप सुन रहे हैं वी1 रेडियो 90.8 एफएम। मैं हूं डॉक्टर सौरभ शर्मा और आज हमारे साथ नाहर हॉस्पिटल से डॉक्टर शैलेश पटेल जो कि पेडियाट्रिक डॉक्टर है और आज हमारे बीच में हमें न्यूबॉर्न बेबीज छोटे बच्चों के बारे में बहुत सारी जानकारियां बताने वाले हैं। तो हम स्वागत करते हैं डॉक्टर साहब आपका हमारे वी1 रेडियो 90.8 एफएम में। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले बिना कुछ समय गवाए मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपकी शुरुआत कहाँ से हुई। आप यहाँ भीमाल में नाहर हॉस्पिटल में सेवाएं दे रहे हैं, तो आप कहाँ से आते हैं और आपका जो आपने जो ये मेडिकल की पढ़ाई कहाँ से ली और यहाँ तक की जर्नी आपको कैसे, यहाँ नाहर हॉस्पिटल में आपकी ज्वाइनिंग कहाँ से हो गई? मेरा नाम डॉक्टर शैलेश चौधरी है और अभी मैं फिलहाल कंसल्टेंट पीडियाट्रिशियन हूँ नाहर हॉस्पिटल में। मैंने MBBS और PG मेरा मुंबई से किया हुआ है। जब मैं यहाँ पे जालौर जिले में भीमाल सिटी में आया तब मैंने पाया कि नाहर नाम की हॉस्पिटल जो बहुत बेहतरीन है, बेहतरीन इन सेंस अगर हम दूसरे हॉस्पिटल के कंपैरिजन करें तो हमारे पास काफ़ी अच्छी टीम है, डॉक्टर वाइज, स्टाफ वाइज और इक्विपमेंट वाइज। अगर हम इक्विपमेंट की बात करें तो हमारे पास NICU, PICU, इमरजेंसी सेवाएँ उपलब्ध हैं और OPD की सेवाएँ भी उपलब्ध हैं। तो ये बहुत जानकर मुझे मतलब ताज्जुब हुआ कि आप मुंबई से अपनी डिग्री कंप्लीट कर आपने भीमाल जैसे छोटे शहर को चुना। तो आपके इस भीमाल के चुनने के जो डिसीजन था, क्या आपको उसमें ये लगा कि छोटे शहर में जाने से आपको इक्विपमेंट में कमी नज़र आ सकती है या यहाँ आने से पहले, मतलब अभी आप जो कह रहे हैं कि यहाँ पर मेरे को इक्विपमेंट सब अवेलेबल हैं, तो क्या ये कहना उचित होगा कि नाहर हॉस्पिटल एक मुंबई के हॉस्पिटल जितना इक्वल है या ये उससे कहीं कम है? नहीं, बिल्कुल कह सकते हैं कि उसके कंपैरिजन में यानी आता है। ऐसा नहीं है कि छोटा सिटी, यहाँ हमें ये लगता है कि छोटा सिटी है तो कुछ फैसिलिटी हमें नहीं मिलेगी, लेकिन हमारे पास सब कुछ सेवाएँ मतलब उपलब्ध है। तो अब जैसे कि हम अक्सर देखते रहते हैं कि लोग बड़े शहरों की तरफ ट्रांसफर हो जाते हैं, लोग कहना है लोगों का कि बड़े शहर जाएंगे तो हम ज़्यादा केयर होगी, ज़्यादा ध्यान रखा जाएगा, पैसे की कोई परवाह नहीं है, पैसा तो लोग दे देते हैं, लेकिन उनका जो बिलीव है वो बड़े शहरों की तरफ ज़्यादा है, अहमदाबाद की तरफ ज़्यादा है, मुंबई की तरफ ज़्यादा है, पालनपुर साइड, इस यहाँ का जो रीजन है ये साउथ रीजन में ज़्यादा जाने की कोशिश करता है। तो उन लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे? एक्चुअली पहले के टाइम में शायद ये पॉसिबल हो सकता है कि उस टाइम पर इतना फैसिलिटी नहीं था, लेकिन फिलहाल अभी काफ़ी इम्प्रूवमेंट हो गया है। जालौर डिस्ट्रिक्ट भी काफ़ी डेवलप हो चुका है और काफ़ी अच्छे हॉस्पिटल बन चुके हैं। तो एक ये ट्रेंड बदलना होगा क्योंकि ये पहले का ट्रेंड है, लेकिन फिलहाल अभी ऐसा ज़रूरत नहीं कि आगे जाके इलाज करवाया जाए, यहाँ पे सब कुछ फैसिलिटी अवेलेबल है तो पूरा इलाज हो सकता है। मैं फिर से दोहरा दूँ कि ये बात बहुत ही महत्वपूर्ण है इस बात में कि हमें अपने ट्रेंड को बदलना होगा, हमें प्रीजुडाइज नहीं होना है, हमें इन अवधारणाओं पे यकीन नहीं करना है जो पुराने समय की चलती आ रही है। हमें अगर हमारा इलाज जितना जल्दी समय पर होगा और जितना अपने नज़दीकी अस्पताल में होगा उतना बेहतर होगा। और आपके नज़दीक में अगर नाहर हॉस्पिटल भीमाल जैसी सुविधाएं अवेलेबल है तो मुझे नहीं लगता कि हमें बच्चों की समस्याओं को लेकर हमें वहाँ जाना है। लेकिन अब सर, ये तो बात आपने फैसिलिटी के ऊपर कही, तो अब मैं ये भी जानना चाहूँगा आपसे कि क्या क्या परेशानियाँ अक्सर आपको देखने को मिलती है जब एक छोटा बच्चा आपके सामने जब जस्ट जन्म लेकर आपके हाथों में आ जाता है, तो आप सबसे पहले उनकी क्या चेकअप करते हैं और आपको कैसे पता लगता है कि वो बच्चा बीमार है या नहीं? वो तो बेजुबान है, वो तो केवल रोता रहता है। तो अब हमारे दर्शक ये, हमारे श्रोता भी ये जानना चाहते हैं कि उस रोते बच्चे को आप कैसे पहचान लेते हैं कि ये बीमार है या ये स्वस्थ है? अगर मैं नवजात शिशु के बारे में बताना चाहूँ तो हम वो चेक करते हैं कि बच्चा टर्म है, प्रीटर्म है, पोस्टर्म है। प्रीटर्म है मतलब कि लेस देन 37 भी करे तो वो प्रीटर्म है, वो बच्चे सीरियस गंभीर हो सकते हैं। लेकिन जो टर्म बेबी है जिनका वेट अच्छा है, मोर देन 2.5 kg है, और जो बच्चे जैसे ही बॉर्न होता है तुरंत बच्चे रोते,
और उनका अगर कलर पिंक या रेड रहता है तो इतना कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है। लेकिन सारा एग्जामिनेशन जैसे कि हम स्टेथोस्कोप से चेक करते, सेचुरेशन चेक करते, और जब पूरा एग्जामिनेशन करते तब आइडिया लग जाता है कि बच्चा गंभीर है कि नहीं है। अगर गंभीर है तो हमें तुरंत उसको NICU में एडमिट करना पड़ता है। ये NICU क्या होता है सर, एक हमारे श्रोताओं को आप ये भी बताएं। NICU वो है जो नवजात शिशु को लेस देन वन मंथ के जो बच्चे होते उनको लिए, उनके लिए जो ICU उसको हम NICU बोलते हैं, न्यूनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट। ओके, तो ये न्यूनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट नाहर हॉस्पिटल के अंदर अवेलेबल है? हाँ बिल्कुल अवेलेबल है। और अच्छा, तो इसमें हम जैसे अक्सर देखते हैं तो NICU की जरूरत आ जाती है उन बच्चों में जो आपने जैसा कि बताया कि जो बच्चों को प्री मेच्योर हो जाते हैं या जिनमें कुछ जिनको कि स्पेशल केयर की जरूरत होती है। तो NICU क्या ये जरूरी है कि NICU के बिना ढंग से इलाज नहीं हो सकता? ढंग से इलाज तो हो सकता है अगर उनको रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन अगर बैकअप के लिए अगर बच्चा बाय चांस कोई प्रीटर्म या सीवियर डिस्ट्रेस में बच्चा अगर बॉर्न होता है तो फिर उसके लिए NICU की केयर मस्ट है। मतलब बहुत जरूरी है ये बात कि अगर NICU की फैसिलिटी और अच्छी फैसिलिटी अगर मिल जाए तो बच्चे की जो समस्याएं हैं, जो परेशानियां हैं, जो बीमारियां हैं, वो उनको ठीक होने में बहुत जल्दी मदद मिल जाती है। और एक डॉक्टर एक इक्विपमेंट्स के बिना अधूरा होता है, तो ये इक्विपमेंट्स बहुत ज़रूरी होते हैं। एक सफल डॉक्टर, एक सफल टीम तभी है जब एक अच्छे इक्विपमेंट्स के साथ वो काम कर रही है। तो ये बहुत अच्छी बात बताई डॉक्टर साहब। तो अब मैं ये भी जानना चाहूँगा कि अक्सर आपने कहा कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है तो हम NICU की, तो ऐसी क्या कॉम्प्लिकेशंस हो जाती है बच्चे में? मान लीजिए कि अगर बच्चे का वेट 1.8 kg से कम है, या फिर बच्चा प्रीटम मतलब कुछ ज़्यादा प्रीटम लेस देन अगर 34 वीक प्रीटम है, या फिर बच्चे को डिस्ट्रेस है मतलब कि सांस की कोई तकलीफ है, या बच्चे को तुरंत बच्चा नहीं रोया होता है, या फिर बच्चे का कलर मतलब कि यहाँ ब्लू कलर का होता है तो फिर यहाँ बच्चे का पेट फूल जाता है, ऐसा कोई भी अगर कंडीशन हमें लगता है तो हम तुरंत NICU के अंदर एडमिट करते हैं बच्चे। वेल, बहुत अच्छी जानकारी दी हमें। तो आप तो देख रहे हैं V1 रेडियो 90.8 FM। हमारे साथ है डॉक्टर शैलेश चौधरी, और जो कि मुंबई से अपनी डिग्री कर नाहर हॉस्पिटल में आज अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डॉक्टर साहब आपको बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे जालौर ज़िले को अपनी सेवाओं के लिए चुना, और डॉक्टर प्रोफेशन एक सेवा का पेशा है और एक सेवा भाव से आज हमारे बीच में हमारे साथ V1 रेडियो 90.8 FM के माध्यम से लोगों को जागरूक करते हुए नाहर हॉस्पिटल की तरफ से आज जो डॉक्टर साहब हमारे यहाँ बीच में बता रहे हैं। हम जानना चाहते हैं डॉक्टर साहब, अभी हमारी पूरी वार्ता हुई, आपने हमें बहुत अच्छी जानकारी दी जिसमें आपने हमें बताया कि NICU की मदद किस तरीके से ली जा सकती है, इक्विपमेंट्स के बारे में भी आपने हमें बताया। तो मैं अब ये जानना चाहूँगा कि अक्सर हम देखते हैं कि बच्चों में जन्म होते ही पीलिया की समस्या बहुत ज़्यादा आ जाती है, ये पीलिया क्या प्रॉब्लम होता है? पीलिया वो बच्चों में होता है नवजात शिशु में जिसका वेट लेस देन 2 kg होता है, और जो बच्चे प्रीटर्म मतलब कि लेस देन 34 वीकर होते हैं, और ऐसे बच्चों में पीलिया का चांस ज़्यादा होता है जिसकी मम्मी मदर का ब्लड ग्रुप अगर नेगेटिव है और बच्चे का पॉजिटिव है तो उसको हम RH इनकम्पेबिलिटी बोलते हैं। तो वैसे बच्चों में भी ज़्यादा रिस्क रहता है पीलिया होने का। दूसरा, वैसे बच्चों में ज़्यादा रिस्क है जिसका मदर का ब्लड ग्रुप अगर O पॉजिटिव है और बच्चे का अगर A या B पॉजिटिव है तो ऐसे बच्चों में भी पीलिया का चांसेस ज़्यादा होते हैं। दूसरे, वैसे बच्चे जो फॉर्सेप्स डिलीवरी बोलते हैं, अगर वो बच्चे फॉर्सेप्स डिलीवरी से होता है और दिमाग मतलब अगर सूजन ब्रेन पर होता है तो उसमें भी पीलिया होने का चांसेस ज़्यादा रहते हैं। वेल, ये बहुत अंदर की और डीप जानकारी इन्होंने दी है कि पीलिया के बारे में इतनी सटीक जानकारी, मैं बहुत मतलब ये कहना पड़ेगा कि बहुत अच्छी जानकारी आप V1 रेडियो 90.8 FM के माध्यम से लोगों को दे रहे हैं, तो बहुत धन्यवाद आपका। पीलिया एक बहुत गंभीर समस्या हो सकती है अगर वो नवजात शिशु में होती है तो, और इसका तो क्या ये संपूर्ण इलाज आप करते हैं अपने हॉस्पिटल में? हाँ बिल्कुल, या अक्सर हमने देखा है कि बड़े बड़े हॉस्पिटल ऐसा क्लेम करते हैं कि हम इलाज कर देंगे, बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, फिर हम पेशेंट उसमें जाता है और वो बच्चा जब वो एडमिट होता है बाद में जब वो थोड़ा गंभीर स्थिति में आता है तो वो रेफर कर देते हैं, तो फिर ऐसा उसमें अक्सर हम आदमी जो पेशेंट जो है वो बच्चा ठगासा महसूस करता है। तो क्या ये हॉस्पिटल, क्या आपकी टीम, क्या आप खुद ये ऐसी परिस्थितियों के लिए तैयार रहते हैं कि अगर ऐसी गंभीर से गंभीर समस्या आ जाए तो आप क्या इन्हें रेफर करते हैं या आप उन्हें ट्रीटमेंट करने का ही पूरा दावा करते हैं? उनका पूरा हम इलाज करते हैं। रिसेंटली अगर मैं बताऊँ तो एक पेशेंट हमारे पास आया था
फिफ्थ डे ऑफ लाइफ पे, तो उसका बिलिरुबिन था 43, मतलब उसका काफ़ी ज़्यादा पीले का प्रमाण था। उसका हम सादी जो फोटोथेरापी देते उससे उसका ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं था, मतलब उसी पे सिर्फ। तो फिर हमने उसका अम्बिलिकल लाइन डाल के उसका एक्सटेंड ट्रांसफ्यूजन किया था, और उस वो बच्चे को हमने 4 से 5 दिन में टोटल। मैं चाहूँगा कि आप इसे थोड़ा और हिंदी भाषा में और थोड़ा सरल भाषा में लोगों को समझाएं कि उसमें क्या हुआ, फिर उसमें आपने क्या किया। वो बच्चा हमारे पास जो 4 से 5 दिन पे आया था, और उसका पूरा बॉडी येलो हो गया था, मतलब हेड से लेके टो तक पूरा येलो हो गया था। और फिर हमने बच्चे का जब रिपोर्ट करवाया, तो रिपोर्ट के अंदर जो सीरम बिलिरुबिन, मतलब जो पीले का प्रमाण इंडिकेट करता है, वो नॉर्मली हर एक नवजात शिशु में करीबन करीबन 10 के आसपास रहता है। अच्छा। वो अगर उसका वो डिपेंड है उसका वेट कितना है, उसका एज कितना है, और वो गेस्टेशनल एज कितने पे बॉर्न हुआ है, वो सब पैरामीटर पे डिपेंड करता है। तो अगर कोई कोई बच्चे का अगर मोर देन 20 रहता है, तो फिर हम ट्राई करते हैं कि फोटोथेरापी, मतलब ब्लू कलर की लाइट देके बच्चे का बिलिरुबिन कम करने का ट्राई करते हैं। अच्छा, लेकिन अगर कुछ जब भी बच्चे का बिलिरुबिन 25 या 30 से ज़्यादा रहता है, तब हमें एक्सचेंज करना पड़ता है, मतलब कि बच्चे का खून निकाल के बाहर का दूसरा खून, मतलब बच्चे का खून बदल के हम ये बिलिरुबिन कम करने का। ये सारी इलाज नहर हॉस्पिटल में अवेलेबल है? हाँ बिल्कुल, ऐसे काफी अभी पेशेंट आए। ये बहुत बड़ी जानकारी है हमारे सभी लोगों के लिए कि अगर इतनी गंभीर समस्या में भी आप लोगों ने उस पेशेंट की, उस बच्चे की जान बचाई, बहुत धन्यवाद आपका इस बात के लिए। और ये केस एक अपने आप में नज़ीर पेश करता है कि आपका काम आपका बोल रहा है, और आपकी सेवा का भाव बहुत ही ज़्यादा लोगों के बीच में मौजूद है। तो ये बहुत बड़ी बात है, मतलब ये बात तो तय होगी कि बड़ी सिटी और छोटी सिटी की कोई बात नहीं रही है। जो इलाज एक बड़ी सिटी में अवेलेबल था, वही इलाज आज छोटी सिटी में हो रहा है, हमारे जालौर जैसे एक छोटे शहर में, और जालौर के भी भीनमा जैसे छोटी तहसील के अंदर भी ये हॉस्पिटल अपने आप में एक बहुत बड़े बड़े अस्पतालों को चैलेंज कर रहा है, उनके इलाज यहाँ पर कर एक बहुत बड़ी एक मिसाल कायम करके दिखा रहा है। तो ये तो एक बहुत ही मतलब कहा जाए कि एक तारीफ के काबिल चीज़ है, और इसके लिए हम जितना भी धन्यवाद ज्ञापित करें नाहर हॉस्पिटल के एस्टेब्लिशमेंट टीम का और उनके एस्टेब्लिशमेंट पर्सन्स का, वो बहुत बड़ी बहुत कम होगा उनके लिए। और लास्ट जाते जाते फिर सर मैं एक बार जानना चाहूँगा कि अक्सर हम ये देखते हैं कि जो प्री मेच्योर बेबी होता है, उसमें एक अवधारणा बनी हुई है कि अगर कोई जन्म समय से पहले अगर कोई बच्चा आ जाए कोई कारणवश, तो क्या ऐसे ऐसा होता है कि वो बच्चा जिंदगी भर बीमार रहेगा? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर उसका अच्छे से अच्छे NICU में और अच्छी टीम अगर उसका देखभाल करे, तो टोटल कंप्लीट रिकवरी हो सकता है और बच्चा टोटल नॉर्मल हो सकता है। मतलब अगर कोई बच्चा, आप मतलब कोई एग्जांपल दे सकते हैं कि आप कितने ऐसे केसेस आपने ऐसे ट्रीट किए? अभी रिसेंटली की अगर मैं बात करूं, तो एक हमारे पास 32-33 वीक का बच्चा, 33 वीक का, 32-33 वीक का, मतलब मान लो कि ये बच्चा 7.5 महीने के आसपास बॉर्न हुआ था जी, और ये आउटसाइड डिलीवरी थी, दूसरे अस्पताल में हुई थी। अच्छा। फिर बच्चा काफी गंभीर था, बच्चा डिस्ट्रेस में था, और बच्चा तुरंत नहीं रोया था, तो फिर उसको हमारे हॉस्पिटल में लाया गया था, और हमने उसको 4 से 5 दिन वेंटिलेटर केयर किया, और फिर उसके बाद धीरे धीरे बच्चा इम्प्रूव होता गया, और हमने उसको टोटल 9 दिन रख के उसका डिस्चार्ज किया था। वो बच्चा प्रीटर्म था, लेकिन फिलहाल अभी टोटली कंप्लीट रिकवरी होकर उसका हमने डिस्चार्ज किया, बहुत, और बहुत अभी वो बच्चा माँ का दूध पी रहा है एकदम। अच्छा, मतलब उसकी फीडिंग ऑन हो चुकी है। और ये बहुत सुंदर बात बताई डॉक्टर साहब आपने। तो मैं भी जानना चाहूंगा डॉक्टर साहब की शुरुआत में जो बच्चा पैदा होता है, तो उसकी ऐसी क्या क्या केयर की जानी चाहिए जिससे वो बच्चा हेल्दी रहे और उसको कोई भविष्य में ऐसी कोई ज्यादा परेशानी ना हो? देखिए, इसके बारे में मैं तीन चार बातें बताना चाहूंगा कि जो मदर होते उनको पहले 6 महीने के लिए बच्चे को सिर्फ और सिर्फ माता का दूध ही पिलाना चाहिए, उसके अलावा और कुछ नहीं देना चाहिए। जैसे कि अभी एक ट्रेडिशन बन गया है कि ग्राइप वाटर देना होता है, या गाय का, बकरी का, या बाहर का दूध वो लोग चालू कर देते हैं, तो वैसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। पहले 6 महीने सिर्फ और सिर्फ मदर के फीडिंग पे रखना चाहिए। और दूसरी बात कि जो भी बच्चे को हम अगर टच करते हैं, तो उसको हमेशा हैंड वॉश करके फिर ही बच्चे को हाथ में लेना होता है। अगर आप ऐसा नहीं करते, तो कई बार बच्चे को इन्फेक्शन होने का रिस्क काफ़ी बढ़ जाता है। अच्छा, इसके अलावा अक्सर डॉक्टर साहब ये देखा जाता है कि लोग बच्चे को जो उठाने की कोशिश करते हैं, और वो अक्सर ये भी देखते हैं कि उन्हें बच्चे में
वो उसको एक्सटर्नल, जैसा कि आपने बताया कि फीड करते हैं, शहद चटा देते हैं, तो ऐसा देखा भी गया है, ऐसा मैंने मेरी आंखों से भी देखा है कि ऐसी कोई बड़ी समस्या नहीं हुई है जो उन्होंने उनको कुछ खिला दिया या कुछ बाहर से कुछ पिला दिया, तो फिर डॉक्टर्स इसकी मना क्यों करते हैं? क्या आप मुझे कुछ थोड़ा सा ऐसा डिटेल समझा सकते हैं कि ये मना क्यों है? मना इसीलिए कि कई बार हमें ये लगता है कि हमारे बच्चों को तो हमने ये दिया था लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन वो ये नहीं होता है कि वो हर एक बच्चे में हो जी। आगे जाके जब बच्चा बीमार होने लगता है तब हमें वो आइडिया नहीं रहता है कि अच्छा हमने वो किया था, वो भूल जाते। जो भी जब बच्चा जन्म होता है वो कुंटी पिला देते, तो उनको ये आइडिया नहीं होता है कि 10 दिन के बाद बच्चा बीमार हुआ है, तो उनको ये नहीं होता है कि वो आगे पिलाया उसकी वजह से। लेकिन वो डॉक्टर को पता होता है कि ये सब मिस्टेक नहीं करना होता है। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी और बहुत महत्वपूर्ण बात है कि हम अगर हमारी दृष्टि से, हमारे ही तरीके, हमारे ही मान्यताओं के अनुसार चलेंगे तो फिर ये डॉक्टर्स की कॉम्प्लिकेशन बढ़ा लेता है, पेशेंट मरीज जो है वो बच्चा है उसकी दिक्कतें बढ़ सकती है। तो आप डॉक्टर्स की गाइडलाइन का पालन करें, उन्होंने जो कहा है उसको स्ट्रिक्ट रूप से माने, उनके कहे अनुसार चलें, उनकी बात को सुने और अपडेट रहें, अपने बच्चे के प्रति संवेदनशील रहें, जागरूक रहें और ज्ञान लें और कोशिश करें कि इस तरीके की जितनी भी जो टॉक्स हैं हमारी, जो V1 रेडियो 90.8 FM के माध्यम से जो आपको हेल्थ टॉक्स दिखाई जा रही है, सुनाई जा रही है, आप उनके माध्यम से भी सुनकर अपने जनरल, अपनी आम जिंदगी के अंदर आप अपडेट रह सकते हैं। पर्टिकुलर इस बच्चों के मामले में कहा जाए तो ये बहुत सुंदर जानकारी आज आपने हमें इस माध्यम से दी। ये बहुत अच्छी बातों के साथ हम फिर से हाजिर होंगे आपके बीच, और सुनते रहिए V1 रेडियो 90.8 FM। डॉक्टर शैलेश पटेल साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें V1 रेडियो में आकर हमें बहुत अच्छी जानकारी दी। मैं डॉक्टर शैलेश चौधरी, नाहर हॉस्पिटल में कंसल्टेंट पीडियाट्रिशियन। मैं V1 90.8 FM रेडियो में आके बहुत मुझे अच्छा फील हो रहा है, और मैं काफ़ी शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप अच्छा शो चला रहे हो, और ऐसे चलाते रहिए और लोगों को जागरूक करते रहिए। थैंक यू।